आज ही के दिन 1907 में मशहूर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे और कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन का आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहा। 1955 में वह विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। बच्चन का पहला काव्य संग्रह 1935 में प्रकाशित मधुशाला से ही माना जाता है। यह कृति बेहद लोकप्रिय हुई। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश एक के बाद एक यह तीनों संग्रहों को खूब पसंद किया गया। हिंदी में इन संग्रहों को हालावाद कहा गया है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जन गीता, दो चट्टाने इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी ने यूनाइटेड किंगडम में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की। इसी के साथ बीबीसी यूनाइटेड किंगडम में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी। बीबीसी दर्शकों की संख्या में विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण संघ है। इसके कुल 26,000 कार्यकर्ता है। 1973 में आज एक दिन ब्रिटेन की शहजादी एन की शादी एक आम नागरिक मार्क फिलिप्स के साथ हुई थी। मार्क फिलिप्स फौज में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। कहा जाता है कि एन और मार्क की शादी को दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा। उनकी शादी के दिन ब्रिटेन में अवकाश घोषित कर दिया गया था और नागरिकों ने महारानी के निवास स्थान बकिंघम पैलेस जाते वक्त नए जोड़े का भव्य स्वागत किया। कई लोगों ने तो पूरी रात सड़क के किनारे बिताई ताकि वो नए जोड़े की एक झलक देख पाए। नए जोड़े ने महल की बालकनी से जनता का अभिवादन किया। इससे पहले 1923 में ब्रितानी राजघराने के किसी सदस्य ने किसी आम शहरी से शादी रचाई थी। 1991 में लीबिया के दो नागरिकों पर लॉकरबी धमाके का आरोप लगा था। अमेरिका ने लीबिया के पूर्व नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी से दो लोगों अब्दुल बासित अली अल मेगराही और अल अमीन खलीफा फीमा को सौंपने की मांग की थी। इन दोनों को अमेरिका में 193 मामलों में दोषी पाया गया था। इसमें 3 मामले ऐसे थे जिनमें मौत की सजा हो सकती थी। स्कॉटलैंड में लीबिया के इन दोनों नागरिकों के खिलाफ हत्या और षड्यंत्र के मामले में वारंट जारी किया गया था। यह मामले दिसंबर 1988 के पैनम विमान 103 में हुए धमाकों से संबंधित थे। यह विमान लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था कि स्कॉटलैंड के लॉकरबी के पास उसमें धमाके हुए जिसमें जहाज में सवार 259 लोगों की मौत हो गई थी। और 14 नवंबर यानी कि आज का दिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिन आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू का बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए बाल दिवस मनाने के लिए उनका जन्मदिन चुना गया। दरअसल बाल दिवस की नींव 1925 में रखी गई थी जब बच्चों के कल्याण पर विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1954 में दुनिया भर में इसे मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र ने बाल दिवस मनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की, लेकिन अलग अलग देशों में यह अलग अलग दिन मनाया जाता है। कुछ देश 20 नवंबर को भी बाल दिवस मनाते हैं।